ये बंद हो गई। कितनी किलोमीटर चली है भाई? तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑल अबाउट टोटो मोबाइल पर। तो आज के वीडियो में हम लोग माइलेज टेस्ट करने वाले हैं होंडा SP 125 BS6। और आज के वीडियो में खास बात ये होने वाली है कि हम दो लोग गाड़ी पे बैठ के इसका माइलेज टेस्ट करने वाले हैं और इसको पहाड़ी एरिया और हाईवे दोनों पर चलाएंगे। तो देखते हैं आज इसका क्या माइलेज निकलता है। तो दोस्तों, एक्चुअली हम ट्रेवल कर रहे थे इंदौर से महेश्वर, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसका एक माइलेज टेस्ट निकाला जाए। तो इंदौर से महेश्वर 76 किलोमीटर पड़ता है और साथ ही हमारा एवरेज भी निकालना था, तो इतनी दूरी काफ़ी थी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो। और शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पर, ताकि आपको ऑटोमोबाइल रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट वहाँ से भी मिलती रहे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की इस वीडियो बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, जो सबसे पहले स्टेप हमारी माइलेज टेस्ट की होगी वो है गाड़ी के अंदर जितना भी पेट्रोल है वो सारा पहले हम निकालेंगे, उसके बाद गाड़ी में हम 1 लीटर फ्यूल डालेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं सारा फ्यूल। तो इस फ्यूल को निकालने के लिए BS6 गाड़ी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि इसमें आपको कार्बोरेटर देखने को नहीं मिलता, तो इसमें आपको पेट्रोल भी बंद चालू करने का स्विच देखने को नहीं मिलता है। इसके कारण इस कि गाड़ी के पेट्रोल निकालने में हमको काफ़ी तकलीफ आती है। तो पहले निकाल लेते हैं फिर बात करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सब देख सकते हैं कि हमने इस बाइक में से सारा फ्यूल निकाल लिया है, जो कि कम करीब 1.5 लीटर फ्यूल गाड़ी में से निकालना पड़ा हमको। इस दौरान दोस्तों हमें काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आप जैसे कि देख सकते हैं साइड वाला साइड पैनल पूरा खुला हुआ पड़ा है, हमें साइड पैनल पूरा खोलना पड़ा क्योंकि गाड़ी का फ्यूल इंजेक्टर थोड़ा अंदर की तरफ है, तो उसकी हमको नली निकालनी पड़ी। उसके लिए हमको गाड़ी का साइड पैनल भी निकालना पड़ा उसके। दोस्तों यहाँ तक हम गाड़ी में से सारा फ्यूल निकाल चुके हैं और अब आगे की प्रोसेस चालू करते हैं। तो हम अब गाड़ी में 1 लीटर फ्यूल डालेंगे। तो उसके लिए हमें दोस्तों गाड़ी में 1 लीटर फ्यूल डालने से पहले हमें पता चला कि गाड़ी से सारा फ्यूल निकालने के बावजूद भी गाड़ी अभी स्टार्ट हो रही है और चल रही है। तो हमने सोचा कि इसको क्यों ना जितना चलती है गाड़ी उतना चलाया जाए और जितना भी इसमें पेट्रोल है वो सारा इसमें यूज़ कर लिया जाए, उसके बाद ही हम इसमें 1 लीटर फ्यूल डालेंगे। लोगों को भी गाड़ी का एक्यूरेट माइलेज पता चल जाए, और हम भी काफ़ी दिन से प्रयास कर रहे थे कि गाड़ी का एक्यूरेट माइलेज पता किया जाए, और काफ़ी सारे लोग इस बाइक को परचेस करना चाहते हैं। लोगों के लिए भी ये वीडियो काम की बने और उन लोगों को भी बेटर माइलेज, गाड़ी का एक्यूरेट माइलेज पता चल सके, उसी वीडियो की हमारी कोशिश रहेगी। तो चलिए शुरू करते हो और गाड़ी में जितना भी पेट्रोल बचा है उसको यूज़ करते हैं पहले, और फिर 1 लीटर गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे हमारी गाड़ी बंद हो जाती है और अब हम इसमें 1 लीटर फ्यूल डालेंगे और उसके बाद गाड़ी को चलाएंगे और देखेंगे कि गाड़ी कितना माइलेज निकालती है। तो सबसे पहले गाड़ी में 1 लीटर फ्यूल पहले डाल लेते हैं, उसके बाद जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हम गाड़ी में 1 लीटर फ्यूल डाल चुके हैं और अब हम गाड़ी का पहले मीटर सेट करते हैं, उसके बाद हम
जर्नी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बाइक कितनी दूर जा पाती है, और टूकू को एक बार फिर से याद दिला दे कि हम दो लोग गाड़ी पे ट्रेवल कर रहे हैं और दो लोगों में हम माइलेज टेस्ट चेक करेंगे। तो सबसे पहले गाड़ी की ट्रिप भी हम ज़ीरो कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी को और देखते हैं कि गाड़ी कितना माइलेज निकाल पाती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ट्रिप को ज़ीरो कर लिया है और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो हमने हेलमेट पे माउंट लगाया था वो एडजस्टेबल माउंट नहीं था और उसकी वजह से वीडियो की क्वालिटी तो ठीक आ रही है पर वीडियो का एंगल सही से नहीं आ पा रहा है, उसके लिए हम आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं। तो आगे बढ़ते हुए इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते बढ़ते हमने आधा रास्ता क्रॉस कर लिया था और हम इंदौर से 40 किलोमीटर दूर जाम गेट तक पहुंच चुके थे। तो एंजॉय करिए आप इस व्यू को। तो दोस्तों फाइनली हम महेश्वर हमारी लोकेशन पे पहुंच चुके थे और यहाँ तक आते आते हमारे जाने के टाइम पे लास्ट में गाड़ी का फ्यूल भी जो हमने 1 लीटर डाला था और वो ख़त्म हो चुका है और वो गाड़ी का एक्चुअल माइलेज अब निकल के सामने आ चुका है। तो दोस्तों जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि गाड़ी का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी ऑन ऑफ हो रहा है क्योंकि गाड़ी का सारा फ्यूल ख़त्म हो चुका है और गाड़ी की जो माइलेज निकल के आई है वो है 63.6 किलोमीटर। तो आप लोगों को एक बार फिर से याद दिला दूं कि गाड़ी पे हम लोग दो लोग ट्रेवल कर रहे थे और काफ़ी सारे जो SP125 के पिछले जो माइलेज के वीडियो बने हैं वो लोगों ने सिंगल ट्रेवल करके भी काफ़ी सारे लोगों ने वीडियो बनाया है और मुझे पता नहीं कि किसी ने डबल ट्रेवल करके वीडियो बनाया है, और डबल ट्रेवल करने से गाड़ी के माइलेज में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और एक बात और आप सब लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि हमने गाड़ी
जो 1 लीटर फ्यूल हमने डाला था गाड़ी का माइलेज टेस्ट करने के लिए, उसमें हमने स्पीड गाड़ी की 40 से लेके 70 तक हमने गाड़ी को चलाया, और काफ़ी हिली एरियाज और ढलान वाले एरियाज में गाड़ी को चलाया है, तो ओवरऑल ये वाला माइलेज निकल के आया है। अगर आप गाड़ी को इकोनॉमी मोड में चलाएं 40, 45 से 50 के अंदर, तो गाड़ी आपको और अच्छा माइलेज निकाल के दे सकती है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, और वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर जरूर कीजिएगा, और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगी। और साथ ही दोस्तों ऑटोमोबाइल रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट या न्यूज़ के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पर, तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।